प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे और ये हम लोगों का आज सातवां लेक्चर होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे अदर बुक से। अभी तक जो हम लोग 6 लेक्चर पढ़े हैं उसमें कंप्लीट थ्योरी साथ ही साथ एनसीईआरटी से एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको प्रोमिस करता भी हूँ कि मैं एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कई सारे बुक से पढ़ाता हूँ, तो आज उसी का ये पार्ट है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिख दिया हूँ और इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझ कर कोशिश करते हैं बनाने का। क्या क्वेश्चन है? कहता है कि शो दैट द लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन टचेज द कर्व y इक्वल टू बी ई पी पावर x बाय ए बल्कि माइनस x बाय ए एट द पॉइंट वेर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। तो इसको एक फोटो से समझते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं हिंदी को नहीं लिखा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जब फोटो बन जाएगा तो आप खुद समझ लीजिएगा कि इसका हिंदी क्या होगा। तो आइए बच्चों देखिए सोल्यूशन क्या कहता है कि आपका एक कर्व है, ये आपका कर्व है और इसका इक्वेशन क्या है, तो y बराबर बी ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाय ए और इसको आप मान लीजिए 1, समझ गए। और बाबू यहाँ पर एक टेंजेंट है, एक पॉइंट P है और ये आपका एक टेंजेंट है, टेंजेंट और इस टेंजेंट का इक्वेशन हम लोगों को दिखाना है कि आपका x बाय ए प्लस y बाय बी बराबर 1 होगा, समझ गए। ये हम लोगों को दिखाना है लेकिन ये कहाँ पर होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको क्रॉस कर रहा है, तो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, समझ गए। यानी कि ये जो है ना ये आपका क्या हो गया, तो ये y और ये आपका y हो, समझ गए, यानी कि ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक। तो इसी जिस पॉइंट पे आपका कर्व, जिस पॉइंट पे कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है उसी जगह पर हम लोगों को टेंजेंट दिखाना है। टचेस का मतलब कि जो लाइन टच करे उसको हम लोग टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा कहते हैं। ये y एक्सिस को टच करता है तो आप जानते हैं कि यदि जो आपका y एक्सिस को टच करता है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि ये जो p है इस p का कोऑर्डिनेट यदि आप x y ले लेते हैं, समझ गए, तो आपका y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपका 0 और क्या बचेगा, तो 0 और आपका हो जाएगा y। कहने का मतलब है कि x आपका कितना हो जाएगा, तो x आपका हो जाएगा 0। तो पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला काम है आपको वो पॉइंट निकालना। तो आइए बच्चों हम लोग पॉइंट को निकालते हैं। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा सिंस 1 6 ऐसे लिखिएगा सिंस 1 प्रोसेस दी y एक्सिस, चूंकि 1 y अक्ष को काटता है therefore x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0 और इसी x का वैल्यू आप इस समीकरण 1 में रखकर आप y के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा बाबू, y इक्वल टू बी ई के पावर माइनस 0 बाय ए, क्योंकि x की जगह आपने 0 रखा और किसी भी संख्या पे पावर 0 दीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू आपका हो जाएगा 1, यानी कि अकेला आपका b बच जाएगा। कहने का मतलब है पॉइंट आपका कितना हो गया 0 b, यानी कि जो p आपका है ना, तो ये p आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया 0 और बी, ठीक। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आप जानते हैं कि जो कर्व आपका दिया हुआ है इसे आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने से उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। तो बाबू आप 1 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो
डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, बी आपका बाहर, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता, यानी कि ई पे पावर माइनस एक्स बाय ए, और एक्स के कोफिशियंट से हम लोग गुना कर देते हैं, तो एक्स का कोफिशियंट माइनस वन बाय ए है, तो आप इसे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, किस पॉइंट पे निकालना है, तो जीरो पी 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 जीरो पी पी, तो बी इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, तो एक्स के जगह पे आपका क्या है, तो जीरो है, तो जीरो बाय ए इंटू माइनस वन बाय ए, तो इसका वैल्यू तो बाबू कितना हो गया, वन हो गया। कहने का मतलब है कि फाइनली ये माइनस बी बाय ए बच गया, समझिए क्या बच गया बाबू, माइनस बी बाय ए। अब आप जो है कि टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, पी कितना है बाबू, तो जीरो बी हिंदी में, अतः पी जीरो बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, आप जानते हैं y माइनस वाई वन बराबर डी वाई वाई डी एक्स एट कहाँ पे, एक्स वन वाई वन और x माइनस एक्स वन, यही आपका इक्वेशन है। तो यहाँ पर y माइनस वाई वन, तो y वन के जगह पे आपका b है, बराबर डी वाई वाई डी एक्स एक्स वन वाई वन, ये आपका जीरो b है, और साथ में x माइनस एक्स वन आपका है जीरो। तो क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस बी बराबर, इसका वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, और यहाँ पर अकेला आपका हो गया x, कोना कोनी कोना कर लीजिए, तो ए वाई माइनस ए बी बराबर माइनस बी एक्स, तो आप इसको उस तरफ लेते जाइए, तो बी एक्स प्लस ए वाई और ए बी माइनस में, इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा। और अब आप क्या कीजिए कि आप जो है ना ए बी से भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बाय ए बी, यानी कि ए बी से भाग देने पर, तो कितना हो जाएगा बाबू, बी एक्स बाय ए बी प्लस ए वाई बाय ए बी बराबर ए बी बाय ए बी। और अब जो है कि आप काट के बर्बाद कर दीजिए, जो भी कटेगा, तो ये बी भी आपका कट के बर्बाद हो गया, ए ए कट के बर्बाद हो गया, ए बी कट के बर्बाद हो गया, तो बस क्या हो गया, बस गया आपका एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर वन। और यही हम लोगों को बाबू दिखाना था, देख लीजिए हम लोगों को दिखाना था जो टेंजेंट है वह टेंजेंट आपका एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन होना चाहिए, और ये बिल्कुल ही उत्तर आ गया। तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब आप क्या कीजिए कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलिए ठीक है। आइए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख दिया हूं और इसको पढ़ के हम लोग बनाते हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 1 प्लस x पे पावर y प्लस साइन वर्स साइन स्क्वायर x x इक्वल टू 0। तो फोटो बनाइए ना, फोटो बनाने से ज्यादा समझ में आएगा, फिर देखते हैं क्या कहता है। तो ये इस प्रकार से है बाबू कि एक आपका कर्व है, यही कर्व हो गया y बराबर 1 प्लस x पे पावर y प्लस साइन वर्स साइन स्क्वायर एक्स, और बोल रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए आप जानते हैं कि पहले टेंजेंट बनाना पड़ता है, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये आपका हो गया टेंजेंट, ये पॉइंट यदि आप पी लेते हैं तो, और इस पे जो आपका लंब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, समझ गए। तो हम लोगों को इसी नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण निकालना है, और एक चीज लिखा हुआ है कि एक एक्स इक्वल टू जीरो,
यानी कि जो आपका P का कोऑर्डिनेट है उसमें तो x आपका 0 है ही, और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कीजिएगा? यदि इसको आप समीकरण एक मानते हैं तो एक में आप x के जगह 0 रख दीजिएगा, इससे y मिल जाएगा। तो यहां पर लिखिए, वही कीजिए, पुट x बराबर 0 इन 1, तो क्या हो जाएगा बाबू, y बराबर 1 प्लस x के जगह पे 0 पर पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर आपका हो गया 0। तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा इस प्रकार से, y बराबर ये 1 पे पावर y, तो ये आपका 1 ही हो जाएगा, और यहां पर साइन 0 है तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और अब तब बचेगा साइन इनवर्स 0, और याद कीजिए कि साइन इनवर्स 0 का भी वैल्यू 0 होता है, यानी कि आपका खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि y बराबर आपका हो गया 1, यानी कि आपका जो p का कोऑर्डिनेट है 0 और 1 हो गया। तो यहां पर लिख दीजिए पॉइंट्स, पॉइंट्स कितना हो गया, तो पॉइंट्स आपका हो गया 0 1। और अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए आपका जो है डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स, और ये 1 प्लस एक्स पे पावर वाई है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, क्या बताया था कि यदि y बराबर फर्स्ट पे पावर सेकेंड है तो आपका dy वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाता है जैसे का तैसा ब्रैकेट ऊपर बटे नीचे इंटू नीचे का डिफ्रेंसिएशन प्लस log नीचे वाला इंटू ऊपर का डिफ्रेंसिएशन। समझ गए बाबू? ये मैं आपको शॉर्ट तरीका बहुत पहले बता चुका हूं, और एक ही बार नहीं, मैं आपको कई बार बताया। तो आइए बच्चों, तो इसको उसी पे तोड़िए, तो जैसे का तैसे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि 1 प्लस x पे पावर y फिर ऊपर बटे नीचे, यानी y बाय 1 प्लस x नीचे का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 x का 1, यानी कि 1 प्लस log नीचे वाला यानी कि 1 प्लस x, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy by dx, ठीक है? ये हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लिए। अब यहां पर देखिए, तो sin वर्स x का मैं फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं कि dy dx ऑफ sin वर्स x बराबर 1 by अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों? तो आइए, ये हम लोगों का रफ कैलकुलेशन है, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? फिर अब अंदर वाले को कीजिएगा तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो इसका हो जाएगा 2 साइन x, फिर आपका साइन x का हो जाएगा cos x। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ। जरा से इसको और सॉल्व कीजिए आप, तो और सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, या नहीं भी सॉल्व कीजिएगा तब भी हमको लगता है कि शायद हम लोग मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि आप x के जगह 0 रखिएगा तो x के जगह 0 रखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब साइन 0, हाँ तब भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपको dy बाय dx निकालना है, समझ गए? कहां पर? एट पॉइंट p पर निकालना है p, और ये p में आप क्या ध्यान रखिएगा कि x आपका 0 है और y आपका 1 है। तो देखिए बाबू, आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस x आपका 0 और y के जगह पे 1, y के जगह पे 1, x के जगह पे 0 प्लस log 1 प्लस x के जगह पे 0, और ये dy by dx तो आपका 8p पे निकल जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 2, हाँ 2, और देखिए यहां पर आप साइन 0 रखिएगा तो साइन 0 तो आपका 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 इंटू कॉस 0 आपका कितना हो जाएगा बाबू, तो कॉस 0 आपका हो जाएगा 1 बटे में
अंडर रूट वन माइनस साइन जीरो, तो जीरो अल्टीमेटली आपका हो गया जीरो, और ये चूंकि जीरो से गुना है तो ये कंप्लीटली आपका जीरो हो जाएगा। तो देखिए तो आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स एट पी बराबर वन पे पावर वन, तो वन हो गया। यहाँ पर आपका क्या बच गया, तो ये वन बच गया, और यहाँ पर देखिए बाबू, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया लॉग वन, समझ गए, क्या हो गया आपका लॉग वन। और लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, तो लॉग वन का वैल्यू होता है आपका जीरो, यानी कि ये इसको कंप्लीटली खत्म कर देगा, समझ गए, क्या कर देगा बाबू, इसको कंप्लीटली खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, यहां पर आपका बच गया लॉग वन, और लॉग वन का वैल्यू होता है जीरो, तो इधर तो अब आपका कुछ भी नहीं बचा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका बच गया वन। कहने का मतलब है कि डी वाई बाय डी एक्स एट पी, अब यदि दीजिएगा तो दे दीजिए, जीरो वन बराबर आपका क्या हो गया, तो बराबर आपका हो गया वन। और अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, लिखेगा देयर फोर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, और ये पॉइंट आपका है जीरो वन, इज क्या होता है बाबू, तो y माइनस वाई वन माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स, कहां पे x1 y1 और साथ में x माइनस x1, यही होता है। तो अब देखिए तो बाबू, आपका y माइनस वाई वन, तो y1 तो आपका 1 है, माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स, ये भी आप क्या निकाले हैं, आप निकाले हैं 1, और x माइनस x1, x1 आपका कितना है, तो x1 आपका है 0। तो फाइनली क्या मिल गया बाबू, y माइनस वन बराबर माइनस x, और x को आप उस तरफ लेके चले जाइए, तो y प्लस x माइनस वन बराबर 0, यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इस भाई साहब का आंसर मैं देख लेता हूं, तो x प्लस y इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल टू 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक बच्चों, तो अब मैं आपको बोलूंगा कि अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप मेरे साथ ले ले, मेरा भी फोटो ले ले, हाँ देयर इज नो दिक्कत, कुछ भी नहीं छिप रहा है। ठीक बच्चों, चलिए आइए आइए बच्चों, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया हूं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू a इनटू cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इक्वल टू a इनटू sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे सवाल पढ़कर डायरेक्ट समझ में नहीं आता, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप आप इसका फोटो बनाते हैं तो फिर सवाल धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो यहां पर x और y देखने से ही लगता है कि आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, समझिए, और थीटा इसका क्या है, तो थीटा इसका पैरामीटर है। तो ऑब्वियस बात है, जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, और तब आपको dy बाय dx निकालना पड़ेगा, यानी कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो पहले आइए एक कर्व बनाते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का क्या कहता है। तो एक कर्व है, ये आपका हो गया कर्व, और इस कर्व का इक्वेशन है x बराबर a इंटू cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू है a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, समझ गए, बिल्कुल यही है। और टेंजेंट की बात, नॉर्मल की बात करता है, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल के लिए पहले टेंजेंट को खींचना पड़ता है, तो ये आपका हो गया टेंजेंट, और टेंजेंट पर ये आपका हो गया लंब नॉर्मल, ठीक है, ये आपका हो गया लंब नॉर्मल, ठीक है। और क्या कहता है, इतना तो हम समझ गए कि आपका जो है ना कि आपका नॉर्मल हो गया, और कहता है कि यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन नहीं मांग रहा है, मांग क्या रहा है कि कहता है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, इतना इतना
इज एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी कि ये जो आपका नॉर्मल है, यदि यहां पर कहीं आपका ओरिजिन होगा ओ जीरो जीरो ओरिजिन होगा, तो यहां से इसकी जो दूरी है, समझ गए, ये जो दूरी है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी, और दूरी का मतलब हमेशा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। और किसी पॉइंट से यदि किसी रेखा की न्यूनतम दूरी की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वह लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये भाई साहब आपका क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए परपेंडिकुलर, समझ गए। तो कहता है कि यदि आप मूल बिंदु से, आप ओरिजिन से आप नॉर्मल यानी कि अभिलंब पे आप लंब डालते हैं, तो वह दूरी आपका क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो दूरी है ये कांस्टेंट यानी कि अचर दूरी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, जितना पहले काम बोलता उतना करते हैं, फिर ये दूरी वाला देखेंगे कैसे बनेगा। हाँ, पहले तो सवाल को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आइए बच्चों, तो इसमें पॉइंट निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पॉइंट निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि पॉइंट तो एक्चुअल में जो आपका कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई होता है, और यहाँ तो एक्स वाई आपका ऑलरेडी दिया हुआ, तो यदि इसको आप पी मानते हैं, पी एक्स वाई, तो एक्स आपका ये दिया हुआ है और वाई आपका यह है, यानी कि आपको एक्स और वाई पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इस दोनों को मिलाकर आप वन मान लीजिए, समझ गए, इस दोनों को मिलाकर आप वन मान लीजिए, तो आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा बराबर ए कॉन्स्टेंट है बाहर, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड में तोड़िए, तो साइन थीटा वैसे ही थीटा का वन प्लस थीटा वैसे ही साइन थीटा का आपका हो गया कॉस थीटा, एंड डी वाई बाय डी थीटा बराबर ए वैसे ही बाहर साइन का कॉस थीटा माइनस है, तो एक छोटी सी ब्रैकेट और दे दीजिए, कॉस थीटा वैसे ही थीटा का वन प्लस थीटा वैसे ही और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसमें कई सारा ब्रैकेट, ठीक है, होने दीजिए। देखिए तो ये भाई साहब कट के बर्बाद हो गया, ये भाई साहब भी कट के बर्बाद हो गया, कहने का मतलब है कि डी एक्स बाय डी थीटा बराबर ए थीटा कॉस थीटा हो गया, एंड डी वाई बाय डी थीटा बराबर माइनस गुनी माइनस प्लस यानी कि ए थीटा साइन थीटा, समझ गए बाबू, आपको तो निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, तो लिखिएगा देयर फोर डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी वाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा, यानी कि ए थीटा यहां से रख दीजिए साइन थीटा बटे यहां से ए थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, तो साइन बाय कॉस आपका कितना हो गया, आपका हो गया टेन थीटा। चलिए आइए हम लोग जो है स्लोप निकाल लिए, स्लोप किसका निकाले, तो टेंजेंट का, और टेंजेंट के स्लोप से हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, तो अब लिखना है देयरफोर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा। अब कहेगा मास्टर साहब इसमें तो नॉर्मल का कहीं इक्वेशन कुछ ही नहीं रहा, तो फिर आप क्यों निकाल रहे हैं, तो मैं कहूंगा बाबू नहीं निकालेंगे तो फिर ये हम लोग दूरी निकालेंगे कैसे, ये दूरी ज्ञात करने के लिए इस लाइन का समीकरण होना जरूरी है, इक्वेशन होना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस y1 बराबर माइनस डी वाई बाय डी एक्स कहां पे, एट थीटा पे, और x माइनस x1 पे, या यहां पर थीटा नहीं बोलकर आप क्या ले लीजिएगा कि x1 y1 पे, ठीक है, तो y माइनस y1, y1 आपका यही वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स, तो ये वन बाय डी वाई बाय डी एक्स कहां पे, तो थीटा पे, और x माइनस एक्स वन, तो x1 आपका क्या है, तो x1 आपका है इस प्रकार से a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो क्या हो गया बाबू,
वाई माइनस ए तोड़ दीजिए, ए साइन थीटा माइनस गुनी माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा बराबर माइनस डी वाई बाय डी एक्स। आप इसको ऐसा कर लीजिए, इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दीजिएगा, और जब ये बटे में है तो पलटी मार दीजिएगा कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और एक्स माइनस ए कॉस थीटा और माइनस इसको गुना कर दीजिए ए थीटा, और आपका हो गया साइन थीटा। आइए बच्चों थोड़ा सवाल ये बड़ा जा रहा है, बल्कि बड़ा है नहीं ये, चूंकि लिखने में बड़ा लगता है इसलिए बड़ा लग रहा है। तो इस साइन थीटा कैसे लेते हैं, ये तो y sin थीटा माइनस a sin थीटा इनटू sin थीटा, तो a sin स्क्वायर थीटा प्लस है प्लस a थीटा cos थीटा, और आपका हो गया sin थीटा बराबर माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस cos थीटा x माइनस गुनी माइनस प्लस, और a आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा और माइनस गुनी माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा, और आपका हो गया कॉस थीटा। समझ गए बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है, ये दोनों भाई साहब तो आपका कट के बर्बाद हो गया। और अब इसको इधर ले आइए, तो वाई साइन थीटा या ऐसे लिख लीजिए, पहले इस तरह से लिखिए, समझ गए क्या लिखिएगा, साइन थीटा वाई और ये इधर आएगा तो प्लस कॉस थीटा एक्स, और देखिए ये माइनस ए है ना, माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, और इस भाई को इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए तो कॉमन ले लिए प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में तो आपका हो गया जीरो, यानी कि आपका क्या हो गया कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई, और इसका वैल्यू वन, यानी कि माइनस ए बराबर आपका हो गया जीरो। तो ये जो है ना, ये भाई साहब आपका हो गया नॉर्मल का इक्वेशन, समझ क्या हो गया बाबू, ये नॉर्मल का इक्वेशन। तो हम लोगों को इक्वेशन नहीं बल्कि ये दूरी निकालना था। तो अब मैं वापस आपको लेकर जाता हूं क्लास 11 में। क्लास 11 में हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे कि ये आपका एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, और यहाँ पर एक बिंदु P है x1 y1, और यदि आप यहाँ से लंब डालते हैं और यदि ये आप इसको M पॉइंट मान लेते हैं तो PM बराबर क्या हो जाता है, तो PM बराबर हो जाता है इस प्रकार से A, हाँ, x को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, B y को रिप्लेस कर देते हैं y1 से, प्लस C बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझिए ये क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, तो मैं वापस आपको यहाँ पर याद दिला दिया, ठीक मैं लिख भी दिया हूं। तो अब देखिए तो बाबू आपका क्या हो जाएगा, तो आपको दूरी कहां से निकालना है, तो दूरी तो आपको ओरिजिन मूल बिंदु से निकालना है, यानी कि ये जो पॉइंट मैं यहाँ पर x1 y1 लिखा हूं एक्चुअल में वो पॉइंट आपका क्या है, तो 0 0 है। लिखिएगा देयरफोर, हाँ, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन 0 0 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो a, तो x के बाजू में यहां पर a यानी कि cos थीटा इंटू x1 के में x1 और y1 x1 0 और y1 0 है यानी कि 0 प्लस b, तो y के बाजू में sin थीटा है तो sin थीटा इंटू 0 और प्लस c, तो c, तो c के जगह पे आपका कितना है, तो c के जगह पे है माइनस a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए बाबू आपको क्या मिलेगा, ये भाई साहब आपका 0, समझ, ये भी 0 और नीचे तो आपका 1 हो गया, तो यहां पर मॉड के अंदर माइनस a रहा और मॉड के अंदर प्लस ए रहे या माइनस ए रहे, अल्टीमेटली हम लोगों को मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्टेंस लेना है, तो इसको आप प्लस ए ही बाहर निकाल दीजिए, और प्लस ए तो आपका कांस्टेंट है ना, बोल तो रहा था कि आप दिखाई के कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर क्या हो गया कांस्टेंट, और इस प्रकार से हम लोग इसको रूट कर, बोल रहा था कांस्टेंट दिखाइए, तो मैं इसको कांस्टेंट दिखा दिया, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा।
अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है बच्चों, आइए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हूं। क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ के आपको समझाता हूं। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12। तो इसमें एंगल मांग रहा है, तो आइए इसका जो पूर्व ज्ञान होना चाहिए, मैं पहला लेक्चर में आपको बता दिया था कि दो कर्व के बीच में हम लोग कैसे एंगल निकालते हैं, फिर भी मैं उसका कुछ बेसिक आपको फिर से बताता हूँ। तो इस प्रकार से होता है, समझ गए बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, कि एक कर्व ये है और एक कर्व ये, आप इसको C1 मान लीजिए और इसको ले लीजिए C2, और C1 का इक्वेशन आपका है एक्स वाई इक्वल टू 1, इसको 1 मान लीजिए, और C2 जो कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, इसको आप मान लीजिए 2, समझ गए, इसको आप कर लीजिए 2, और ये दोनों कर्व आपका इस पॉइंट P पर, समझ गए, यदि इसका नाम आप P दे देते हैं, इस पॉइंट P पर काटती है। तो हम लोगों को निकालना है कि इस दोनों के बीच में कितना एंगल है, और फैक्ट यह है, सही बात यह है कि दो कर्व के बीच में हम लोग डायरेक्ट एंगल, डायरेक्ट कोण नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका तरीका यह होता है कि जिस जगह पे दोनों एक दूसरे को काटा है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों आपका कर्व पे टेंजेंट खींचिए। तो टेंजेंट आप इस प्रकार से खींचिए, ये आपका हो गया टेंजेंट, किसका टेंजेंट, C1 का, और एक आपका हो गया ये टेंजेंट, टेंजेंट किस पे टेंजेंट हो गया, तो C2 पे। तो अब हम लोग इस दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल निकालेंगे, जो कोण निकालेंगे, वही आपका इस दोनों कर्व का कोण हो जाएगा। तो इसके इस जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के स्लोप को आप M1 मान लीजिए और इसके स्लोप को आप क्या मान लीजिए, M2। और याद कीजिए कि हम लोग जो है कि निकाले हैं दो रेखा के, अब आपका कर्व खत्म हो गया, अब कर्व की बात नहीं करना है। तो दो रेखा के बीच में कोण कैसे निकालते हैं, हम लोग इस प्रकार से लिखे थे बाबू कि आपका टेन थीटा बराबर एम वन माइनस एम टू बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इससे जो क्या मिलता है, इससे आपका एक एंगल मिलता है, हाँ, और वो एंगल जो आपका एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। और जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो दो कोण बनता है। तो यदि मान लीजिए एक कोण आपका थीटा कुछ भी निकाल लेते हैं, तो दूसरा कोण आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। हालांकि जनरली हम लोग न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल को ही लेते हैं, फिर भी यदि अदर एंगल पूछेगा तो मैं आपको बता दिया कि उसका क्या तरीका है कि आप उसको 180 से माइनस कर दीजिएगा। तो ठीक है, आइए बाबू, तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और फिर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो स्लोप आपको मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, तो ऐसा कीजिए बाबू कि वन इंप्लाइज, वन इंप्लाइज यहां से यदि आप वाई निकालिएगा तो 6/x हो जाएगा, 6/x, बल्कि वाई बराबर लिखिएगा ना, तो आपका y बराबर 6/x होगा, और इसका वैल्यू आप, बल्कि इसको 2 मानिएगा ना, इसका वैल्यू आप 2 में रख दीजिए, 2 इंप्लाइज x स्क्वायर इंटू वाई, तो y की जगह पे 6/x बराबर हो गया 12। तो ये पावर खत्म, ये दो बार में खत्म, कहने का मतलब है कि x बराबर क्या निकल गया, 2, और इस x बराबर 2 का मान आप 1 या 2 किसी में रख लीजिएगा तो y मिल जाएगा, मैं 1 में रख देता हूँ। 1 इंप्लाइज x के जगह पे 2 इंटू वाई बराबर 6, या आपका 3 बार में कट गया, यानी कि y बराबर 3। तो हाँ, पॉइंट मिल गया, पॉइंट आपका कितना हो गया, x 2 y 3, यानी कि ये p आप निकाल लिए, p आप कितना निकाल लिए, तो 2 और 3, समझिए x 2 है और y आपका कितना है, तो y आपका है 3, दिख रहा है,
या फिर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को हटा लेता हूँ और तब शायद ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, अब देखें तो अब आपका क्या हो गया कि अब आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल लीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वन यहाँ पर है तो वाई वैसे ही एक्स का वन, एक्स वैसे ही वाई का डी वाई बाय डी एक्स, और सिक्स का जीरो, तो एक्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर माइनस वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर माइनस वाई बाय एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स आप किस पॉइंट पे निकालिएगा, तो आप निकालिएगा टू थ्री पे, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू, और इसी को आपने क्या बोला है, आपने बोला है एम वन। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए टू, डिफ्रेंशिएटिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y वैसे ही x स्क्वायर का 2x और फिर x स्क्वायर वैसे ही dy by dx बराबर 0, तो कहने का मतलब है x स्क्वायर dy by dx बराबर माइनस 2xy, ये इससे कैंसिल, तो dy by dx बराबर माइनस 2y by x, और हम लोगों को dy by dx निकालना है किस पॉइंट पे, तो पॉइंट आपका है 2, 3 पे, माइनस टू एक्स के जगह पे आपका वाई के जगह पे थ्री और एक्स के जगह पे टू माइनस थ्री, और यही आपका क्या हो गया, आपका हो गया एम। और यदि इस दोनों के बीच का, समझिए इस दोनों के बीच का यदि एंगल ये आपका थीटा है, तो आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इस दोनों जो टेंजेंट है यदि उस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो टेन थीटा बराबर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूं, तो क्या हो जाएगा बाबू, मॉडुलस ऑफ एम वन माइनस एम टू बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू, यानी कि टेन थीटा बराबर एम वन आप निकाले हैं माइनस थ्री बाय टू, एम टू माइनस थ्री है तो प्लस थ्री हो जाएगा, वन माइनस थ्री बाय टू, और एम टू जो है तो एम टू आपका है कितना माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा बाबू, टेन थीटा बराबर ये ऊपर आपके एलसीएम टू, तो तीन दुना कितना, तीन दुना छ, नहीं तीन दुना छ, छ से तीन गया तो आपका तीन हो गया, और यहाँ जो है नीचे भी एलसीएम टू, तो आपका दो एकम दो, समझ गए, और माइनस बिन माइनस प्लस, तीन तीन नौ, तो नौ और दो कितना ग्यारह, तो अब इस दो और दो को कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली आपका टेन थीटा बराबर मॉड थ्री बाय इलेवन, और मॉड लेने का मतलब ही था कि आपको निगेटिव रहता था पॉजिटिव ले लेना था, तो कहने का मतलब है कि टेन थीटा बराबर थ्री बाय इलेवन, तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स थ्री बाय इलेवन, यानी कि इस दोनों के बीच का जो एंगल मिल गया, तो एंगल मिल गया टेन इनवर्स थ्री बाय इलेवन। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, टेन इनवर्स थ्री बाय इलेवन। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का पहले तो आप इसका सॉल्यूशन के एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ, और अब मैं कहूंगा कि बच्चों ठीक है कि मैं आपको अदर बुक से भी बताया, ठीक है, तो जैसा मैं प्रोमिस करता हूं कि प्रभाकर सर आपको एनसीईआरटी के अलावा भी बताते हैं, तो मैं बिल्कुल बताया। ठीक है बच्चों, मैं देख लेता हूँ एक बार सब सही दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल ही क्रिस्टल है, क्लियर दिख रहा है, यदि ब्राइटनेस मैं थोड़ा हटा दूं तब भी और अच्छा दिखेगा। और अब मैं बोलूंगा कि ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग खत्म करते हैं, हालांकि फिर जब हम लोग मिसलिनियस पढ़ेंगे ना, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मिसलिनियस हम लोग पढ़ेंगे, तो मिसलिनियस में भी कुछ क्वेश्चन आपका टेंजेंट और नॉर्मल से आएगा, तब हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। और अब जो हम लोगों का अगला लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशन, यानी कि सन्निकट मान। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, और मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।